नमस्कार, चेंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ हरमेश सिंह का। शिमला पर एम्बुलेंस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी हमारे साथ आरटीओ है, शिमला के आरटीओ। ये क्या इनकी मुहिम है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आज एम्बुलेंस की धरपकड़ हो रही है, क्या है पूरी मुहिम? जी दरअसल हमें काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि ये जो रिज एरिया है और जो माल रोड का जो एरिया है, ये बेसिकली सील्ड एरिया है और इन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में पेशेंट्स को आईजीएमसी ले जाती है, सिर्फ वही एम्बुलेंस जो है ना पेशेंट्स को यूज कर सकती है। लेकिन शिकायत ये आ रही थी कि कुछ एम्बुलेंस ने जो है वो दद्दा बना रखा है आईजीएमसी से पेशेंट्स डिफरेंट स्टेशन छोटा शिमला संजौली कहीं छोड़ने के लिए, उस तरह से वो यूज कर रही है, जो कि क्लियर कट मोटर व्हीकल एक्ट की भी वायलेशन है और अदरवाइज लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब भी एम्बुलेंस का सायरन हम सुनते हैं तो चाहे अपनी गाड़ी जितना मर्जी हमें इमरजेंसी में जाना हो, हम साइड देते हैं, इसलिए कि उनको प्राथमिकता देनी है। बट अगर इस तरह से मिसयूज होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने सब दो एम्बुलेंस आ रही, इनको हम जरा लाइव आपके सामने चेक करेंगे। एम्बुलेंस आ रही, इनको चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए सामने से एम्बुलेंस आ रही है, अब इसको ये चेक करेंगे, ये इसका लाइसेंस है कि नहीं है, यहाँ से वैध है कि नहीं, ये चेक करेंगे। देखिए हमारे सामने चेक किया जा रहा है एम्बुलेंस के नाम पे, कई एम्बुलेंस पर कार्रवाई हुई, एम्बुलेंस के नाम पे भी यहाँ पर गड़बड़ झाला हो रहा है और ये आरटीओ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से ये सही पाएंगे। दूसरे एम्बुलेंस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं और इनसे राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हर कोई व्हीकल एम्बुलेंस के नाम पर यहाँ से गुजर रहा है और आज बड़ी कार्रवाई उन व्हीकल पर हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आज एक्शन मोड पर आ गया है और यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। उनके पास जाते हैं वैध है कि नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस का जो साइरन बजता है, जैसा कि ने कहा, तो लोग एकदम रुक जाते हैं सोचते ही सही है, लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी पाएगी जो सही नहीं थी, यहाँ से वो इस चीज से कम से कम शिशु ब्रिज ले जाते हैं। यहाँ पर उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं, राजधानी अशोका की तस्वीरें आपको की भी तस्वीरें। मैडम एम्बुलेंस ये रूट भी काफी पूरी रूटीन में, आपको पता है ना, ये तो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए है ना। देखिए आप, ये जो रोड है, इस रोड को सिर्फ जो इमरजेंसी जिनको है, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत जल्दी जो है ना आईजीएमसी पहुंचाना है, उनके लिए यूज होता है। यहाँ तो रूटीन में एम्बुलेंस चल रही है, सवारियां ढो रही है, आप खुद समझ सकते हैं ना। आपका जो पेशेंट है इतना बहुत सीरियस नहीं है ना, आधे घंटे वेट कर सकते हैं आप, दूसरा जो सर्कुलर रोड है उसको यूज कर सकते हैं। आइंदा आपकी गाड़ी ना सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट के साथ आएगी, आरसी दो रोगी है वो केयरिंग नहीं करना है ना, ये रोड उसके लिए नहीं बना है। ये जो रोड है एम्बुलेंस के नाम पर आप समझते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी है लोगों का भी यहाँ लगा हुआ है, जैसे कार्रवाई होती है, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है एम्बुलेंस के नाम पर, जो गंभीर रोगी नहीं है उनको भी सवारियां ढोई जा रही है शिमला के रिज मैदान से, जिनका रूट नहीं है, जिनके लाइसेंस नहीं है एम्बुलेंस, जिनके कागजात सही नहीं है, वो भी जा रहे हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरकत में आया है, बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। राजधानी शिमला की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस के नाम पर भी गलत एम्बुलेंस, जिनकी कागजात पूरे नहीं, वो भी सामान्य सवारियों को। यहाँ प्रॉब्लम क्या है एम्बुलेंस सर्विसेज में? प्रॉब्लम नहीं है, कायदे कानून से चलेगी एम्बुलेंस, कायदे कानून से चलती। ये ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो एक्ट है उसकी उल्लंघना है। आरटीओ देख रहे हैं, उनकी अगुवाई में कार्रवाई हो रही है, रोका जा रहा है उन एम्बुलेंस को जो अधिकृत नहीं है। जो एम्बुलेंस यहाँ से जाने के लिए अधिकृत है उनको ही यहाँ से जाने दिया जाएगा। शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर एम्बुलेंस के नाम पर सवारियों को ढोया जा रहा है, जो रोगी नहीं है उनको भी यहाँ से इसमें सवारियों के तौर पर इनको ढोया जा रहा है। अब इनकी चेकिंग की जा रही है, ये शिकायत के जो आरोप है वो सही है कि नहीं है, इसकी तस्दीक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पूरी ये टीम, अब आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। एम्बुलेंस
एम्बुलेंस की चेकिंग की जा रही है। एम्बुलेंस का जब नाम आता है तो लोग ये समझते रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन रिज मैदान से जहाँ पर आम गाड़ियाँ नहीं जा सकती, हालांकि कुछ व्हीकल जिसमें गंभीर किस्म के रोगी है प्राइवेट व्हीकल को भी यहाँ से जाने की इजाज़त है, लेकिन एम्बुलेंस के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा एक तरह का गड़बड़ झाला हो रहा है, उसकी चेकिंग करने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आए हैं। और अब ये जो गाड़ी आपने अभी चेक की, इसके क्या कमी पाएगी? दरअसल आपने जैसे देखा कि ये एक औरत पीछे बैठी है, उनके पास एक बच्चा है, और इनके मुताबिक उस बच्चे के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस किस्म का जो रूटीन चेकअप है, इसको आप दूसरे रोड से ले जा सकते हैं। कम से कम ये जो रोड है, ये ऐसे पेशेंट्स को जिनको इमरजेंसी में पहुंचाया जाना है। अब भीड़ ऐसे एम्बुलेंस की लगी जहां पर सवारियों को ढोया जा रहा है, या रूटीन में पेशेंट ने चेकअप कराना, उनके लिए ये जो है ना नहीं है। तो इसमें नियम अनुसार क्या कार्रवाई होगी? मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडेड है उसमें कितना जुर्माना है, क्या व्यवस्था है अगर इस तरह के पेशेंट को ढोया जा रहा है? पहली बार जो है वो 3,000 रुपए हमने ये जुर्माना है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और अगर ये सेकंड टाइम दोबारा ये इस तरह की वो करते हैं तो 10,000 रुपए। ऑफेंस रिपीट करते रहेंगे तो ये जुर्माने की राशि भी बढ़ती रहेगी और हम गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेंगे। तो अभी तक कितनी गाड़ियों की आपने चेकिंग की और उसमें कितनी सही पाई गई और कितनी गलत पाई गई? नौ ही ये गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी जो हमने भी चेक की, जिसमें से लगभग 6 गाड़ियों का हमने चलान किए हैं। 3 गाड़ियां जो थी वो सीरियस पेशेंट्स को लेके जो है वो जा रही। तो जो कहीं ना कहीं जो आपका शिकायत आई थी, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुई है, सही पाई गई है। और मेरा जितने भी एम्बुलेंस के संचालक है उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो दूसरे जो रोड्स हैं उनको यूज करें। ये जो रोड है ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में यूज होने चाहिए, और जो जो आपको लगता है कि जो रूटीन के जो चेकअप के लिए जो पेशेंट जाते हैं उनको इस रोड पर ना। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस जो रिज मैदान है, सेल्स पोर्शन, इस पे कौन कौन VIP भी सब नहीं जा सकते हैं जी, कौन कौन से अधिकृत है, क्योंकि फिर तो कई बार इसका दुरुपयोग भी होगा इस रूट। बिल्कुल देखिए, इस रोड को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी जो व्हीकल्स होती है वही यूज कर सकती है, जिसमें एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जाती है। और इसके अलावा GAD के डायरेक्शन से, जैसे गवर्नर साहब के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ये रोड जो है यूज किया जा सकता है, अदरवाइज और कोई इसको यूज नहीं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा एक माननीय उनकी गाड़ी रिपोर्टिंग रूम के सामने पार्क की गई थी, इस तरह की भी कई बार गाड़ी आ जाती, वो तो कानून सही नहीं है। बिल्कुल कानून सही नहीं है, और अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो उसका चलान होना चाहिए, और अगर रिपीट ऑफेंस होता है तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी इम्पाउंड होनी चाहिए। और जो एम्बुलेंस, उनको क्या, जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, जो सही तरीके से भी चला रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एम्बुलेंस का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शिकायत जो है वो हमें ना सिर्फ ये है कि पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं, बल्कि कई गाड़ियों की फिटनेस ही नहीं है। हर 2 साल के बाद जो कमर्शियल व्हीकल, उसकी फिटनेस करवानी पड़ती है, चेक करवाना पड़ता है। MBA जो है वो हमारे वो चेक करते हैं कि वेदर जो गाड़ी है वो आपकी रोड वर्दी है या नहीं है, तो ऐसी भी हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म का पेशेंट्स को आप कैरी कर रहे हैं, गाड़ी आपकी रोड वर्दी नहीं है, कुछ भी कोई दुर्घटना हो जाए तो ये चेकिंग तो पहली बार ही ये हो रही है, हमने तो हाल फिलहाल में तो नहीं देखा। ये क्या शिकायत आपके पास कब पहुंची थी, और उसमें शिकायत में हैं जो कई बार, जैसे आपने कहा कि वायलेशन करती है, कई बार रिपोर्टिंग रूम तक पहुंच जाती है, तो अनजाने में अगर पहुंच जाए, पुलिस के वैसे बैरिकेडिंग हुई है, गाड़ियों का आना संभव नहीं है, पर अगर फिर भी अगर आ गई है तो मैं समझता हूं कि ऐसा ना करें। कई बार लोग जो है वो शर्तें लगाते हैं, या फिर जिसको कहते हैं वैसे ही अपने उसके लिए करते हैं कि जी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा ना करें। ऐसा ना हो कि कानून का जो हाथ है वो बहुत बड़ा होता है, आपकी गाड़ी भी जाएगी और आपको भी जो है ना जेल में। ये मुहिम आगे भी, अगर जैसे आपके पास शिकायत आई अभी तो ये रुक जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ये चलन शुरू हो जाएगा। ये हमारा जारी रहेगा, हर हफ्ते हम डे नहीं बताएंगे किस डे हम इसको करेंगे, बट वीकली बेसिस पर हम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहीं से ही क्लियर करना चाहता हूँ, जाखू मंदिर को भी जो गाड़ियां यूज हो रही उनकी भी शिकायतें, वो भी हम चेक करने जा रहे हैं, तो उनकी भी काफी शिकायतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो एजेंट बने फिरते हैं, वो लोगों को ठगते हैं, टूरिस्ट को ठगते हैं, बड़ी शिकायतें आती है। और जाकू मंदिर के लिए यहाँ से HRTC की टैक्सी चलती है, और अदरवाइज भी जो एक जेन्युइन, जो फेयर, जो जेन्युइन होता है वो चार्ज करना चाहिए। यहाँ से टिटला होटल तक जो है ना सवारियों को ले जाया जाता है, और वहां से फिर बिठाया जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाने के बाद 1 किलोमीटर ले जाते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो अनऑथराइज रूप से काम कर रहे हैं, मैं उन पर बहुत बुरी तरह से कूट के पड़ने। जो अनऑथराइज आप कह रहे हैं, ये तो मसला काफी समय से चल रहा है, पर्यटकों के साथ जो 20 रुपए में जाकू पहुंच जाता है, लेकिन वो 600 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक तो अथॉरिटी ने कहीं संज्ञान नहीं लिया, कम से कम आपने संज्ञान तो लिया जी। हमारे ध्यान में जैसे ये आया है तो फिर हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि
इस किस्म की जो चीजें हैं वो तभी रुकती है जब आम जन भी लोग भी सहयोग करेंगे। और जो लोग सही भी चलाते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें सही और गलत में तो फर्क क्या रह जाएगा, कोई लोग सही तरीके से भी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे वॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जो टैक्सी होती है, टैक्सी को आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सील्ड रोड है, रिस्ट्रिक्टेड रोड है, तो यहाँ की कुछ कंडीशन है, यहाँ पर आपको परमिट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। तो अगर आप सवारी को ले जाना चाहते हैं, लिफ्ट से आप ले जाना चाहते हैं जाकू, तो आप ले जाइए, जो रोड न बाहर होके जो यूज हो सकता है वो आप करिए। लेकिन यहाँ से टिटला होटल तक सवारियों को पैदल दौड़ाना और वहां से फिर 2 किलोमीटर पैदल चलाना और 1 किलोमीटर जो है ना बिठा के ले जाना और उसकी आप 600 रुपए चार्ज करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए अच्छा नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये RTO है जो कह रहे हैं कि अब अगली कार्रवाई है जाकू की तरफ जाने वाली, जो गलत तरीके से, जो सही तरीके से ले जाते हैं उनको पर नहीं, जो गलत तरीके से वहाँ पे वाहनों में सवारियों को ढोकर ले जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के ले जा रहे हैं, उनके लिए भी सबक है, उन पर भी अब कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि आज कार्रवाई हो रही है, जो शिकायत है पूरी तरह से सही पाई गई है, और ऐसा ही औचक निरीक्षण अब समय समय पर होगा। तो रिज मैदान से अगर आप सामान्य मरीजों को ले जा रहे हैं, सवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा अब संभव नहीं होगा। तीन भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।